वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब राज वाकिया ही सूरमिया दी धरती है, ते सिख इतिहास जिउंदा जागदा गवाह है कि कीवें गुरु दे बंदिया ने ते शेरा वर्गे सिखा ने नापाक जालम मुगलां दे हथ खड़े करा दिते सन। कौम दी खातर अपनियां जानां कुरबान कर दित्तियां, उन्हां नूं अपना सिर कलम करवाउणा मंजूर सी पर चुकाउणा नहीं। अज भाई मती दास जी, भाई दयाला जी अते भाई सती दास जी दा शहीदी दिहाड़ा है। ए ओ सूरमे सन जिन्हां ने सिख कौम दे लई अपने प्राण खुशी खुशी त्याग दिते। दस दईए कि उस समय मुगलां दा राज सी ते ओ चाहुंदे सन कि सिख अपना सिखी धर्म छड के इस्लाम कबूल कर लैण, नहीं तां उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिता जावेगा। पर सिखां नूं अपना सिर कलम करवाउणा मंजूर सी, चुकाउणा नहीं। सब तो पहला जानते हाँ भाई मती दास जी की शहादत का इतिहास। मुगल हुकूमत ने फैसला किया कि पहला भाई मती दास ते भाई दयाला जी नू शहीद किया जाए। पहला भाई मती दास जी नू कोतवाली विचों बाहर लिया गया, जिथे जलाद पहला ही आरा ते शिकंजा लैके खड़े किए गए सन। भाई मती दास जी नू काजी ने आख्या, सिखी छड के मुसलमान हो जाओ तुहानू बहुत सुख दिते जाणगे। परंतु भाई जी ने सारे दुनियावी सुख ते लालच ठुकरा दिते। काजी ने भाई साहब नू आरे नाल दोफाड़ करन दा हुक्म सुना दिता। दुनिया दे इतिहास विच भाई साहब दी शहादत बेमिसाल है। भाई दयाला जी दी शहादत दा इतिहास। भाई दयाला जी नू लोहे दी चेन नाल बन्निया होया सी अते फिर उन्हां दे सिर अते मोढे एक पानी नाल भरे वड्डे कड़ाही विच डुबो के उन्हां नू सिद्धा खड़ा कर दिता गया। उस समय भाई दयाला जी ने पाठ करना शुरू कर दिता। फिर गर्म उबाल विच उन्हां ने जपजी साहिब दा पाठ किया। फिर उन्हां नू कोठे दे एक ब्लाक च भुन दिता गया। भाई सती दास जी की शहादत का इतिहास। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तो पहला सम्राट औरंगजेब के हुक्म जाहिर भाई सती दास जी नू तेल विच भिजे सूती ऊन विच लपेटन दे जरिए शहीद किया गया सी। भाई सती दास जी नू एक खंबे नाल बन्निया गया अते सूती फाइबर विच लपेटिया गया, फिर उन्हां नू शहीद किया गया। जरा सोचो कि सानू जेकर सुन के ते सोच के इन्नी पीड़ महसूस हो रही है, फिर उन्हां ते की बीती होवेगी जिन्हां ने इस नू सह के शहादत पाई है। सिख कौम दे लई अपनी जिंद जान निशावर करने वाले भाई मती दास जी, भाई दयाला जी ते भाई सती दास जी दी शहीदी नू कोटन कोटन प्रणाम।